माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड कर दिया है कि क्योंकि जब अब धारा 370 समाप्त हो चुकी है, अब जम्मू कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। माननीय न्यायालय ने चुनाव कराने के लिए भी चुनाव आयोग को निर्देश कर, माननीय बहुत सारे लोग अब इसमें तो इतना सारा लूट गया, जो दावे थे सारे खारिज हो गए। तो एक पूंछ पकड़कर मैंने बाइट देखा करते हैं, क्या पूंछ पकड़ते हैं कि चुनाव आयोग ने ऑर्डर कर दिया। अरे भाई क्या ऑर्डर करा, मैंने स्वयं कहा है कि हम चुनाव कराएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसी सदन में कहा है, लोकसभा में करा है, एज अ गृह मंत्री ऑन रिकॉर्ड करा है। उन्होंने कहा कि भाई राज्य का स्टेटस वापिस देंगे, तो ये भी मैंने कहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम पर राज्य का स्टेटस हम वापिस देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो कहा है उसमें मेरे सदन में के बयान को और सॉलिसिटर जनरल के सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान को कोट करते हुए कहा है। अब मुझे कोई समझाए इसमें विजय कहां से हुई है, घोर पराजय में विजय कैसे ढूंढना, इसकी कला कोई आप लोगों से सीख ले साहब। इतने बड़े घोर पराजय विजय कैसे ढूंढना, इसका कोई अभ्यास वर्ग साहब रखना चाहिए सात अर्थ में, ये बहुत बड़ी कला है। मैं तो आज अगर उनके जैसे मेरे विचार होते तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखकर डिप्रेशन के मारे एक महीना सदन में ना आता, मगर ये तो प्रेस कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस करी माननीय, और प्रेस में क्या किया कहा कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा माननीय कि ये जजमेंट आने के बाद भी हम मानते हैं कि धारा 370 को गलत तरीके से हटाया गया है। अब माननीय देश के दोनों सदनों ने, देश की संसद की दोनों सदनों ने राष्ट्रपति के सीओ को अनुमोदना दे दी, कानून पारित हो गया, कानून नोटिफाइड हो गया, किसी ने चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है सबका अधिकार है करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस भी हुई, 5 जजों की बेंच बनी और 5 सीनियर मोस्ट जज बने बैठे इसमें, लंबी बहस सबकी सुनवाई हुई, आज फैसला भी आ गया। मगर ये फैसले के बाद भी ये कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं और हम मानते हैं कि धारा 370 गलत तरीके से हटाया गया है। माननीय मैं इनको नहीं समझा सकता, मेरी तो मर्यादा है ऐसा, नहीं समझा सकता कि वास्तविकता क्या है।